हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में आरपी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एंड फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो मैं आपके जैसे मना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। फ्रेंड्स जो लोग आरपीएफ के कॉन्स्टेबल और फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हाल ही में वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, ये 9,739 वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। फ्रेंड्स आपके ये फॉर्म है, 1 जून से आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। और फ्रेंड्स लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून की है, ठीक है फ्रेंड्स। रात को 12 बजे के बाद ये साइट बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अपना फॉर्म आप 30 तारीख को रात को 12 बजे से पहले फिल करवा लें, मतलब आपके पास बहुत टाइम है अभी, ठीक है। फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम, फ्रेंड डेट ऑफ एग्जाम, फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम इसमें होना है सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं एज के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर कॉन्स्टेबल, जो फ्रेंड्स कॉन्स्टेबल में एज मिनिमम एज मांगी गई है 18 से 25 मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज फ्रेंड्स 25 इयर्स, ठीक है। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे फॉर सब इंस्पेक्टर के लिए, फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर में आपकी मिनिमम एज 20 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 20 से ऊपर होनी चाहिए। और फ्रेंड्स मैक्सिमम एज में 25 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें फ्रेंड्स जो एससी एसटी है उनको 5 ईयर का दिया गया है, ओबीसी को 3 ईयर का और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का। पीडब्ल्यूडी मतलब फ्रेंड्स हैंडीकैप को, ठीक है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स जो कॉन्स्टेबल है फ्रेंड्स उनको लिए ओनली 10th पास होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपने इंडिया से कहीं से भी 10th पास कर रखी हो, ठीक है। और फ्रेंड्स जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन मतलब एनी डिग्री, फ्रेंड्स आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास बीए बीएससी कुछ भी होना चाहिए, मतलब होनी जरूर चाहिए, ठीक है। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री जो होती है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न सिलेक्शन प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो फर्स्ट में होगा ना फ्रेंड्स आपका एग्जाम होना है, और नेक्स्ट टाइम में आपका पीईटी और पीएमटी मतलब फ्रेंड्स आपका फिजिकल और पीएमटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे या फ्रेंड्स आपका फिजिकल हो जाएगा इसमें, और लास्ट में फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट में आपके थर्ड जो ऑप्शन है इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, फ्रेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको जनरल अवेयरनेस के वहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फ्रेंड अर्थमेटिक के आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के फ्रेंड्स आपको 35 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स टोटल जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड आपके 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फ्रेंड्स के लिए आपके मिनिमम मैक्सिमम टाइम आपका होगा 90 मिनट का, मतलब फ्रेंड 1.5 घंटे का आपको उसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। फ्रेंड्स कई लोग मुझे कह रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की है। फ्रेंड्स अगर आप एक क्वेश्चन अगर फ्रेंड्स आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही का होगा आपका वो नंबर कट जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका जो एग्जाम होना है इसमें आपका ऑनलाइन बेस पे होना है, ठीक है, कंप्यूटराइज होना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एंड थैंक यू सो मच।